एक्सपर्ट्स के चुने ऐसे 10 शेयर्स जो 3 से 4 हफ्तों में आपको दे सकते हैं अच्छा मुनाफा। आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी ने पिछले 2 कारोबारी दिन वीकली चार्ट पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इसके अलावा इसने बीच बीच में आने वाले करेक्शन और कंसोलिडेशन के बावजूद लगातार 12वें हफ्ते हायर हाई फॉर्मेशन बनाए रखा। निफ्टी ने अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में 13 सप्ताह के साथ साथ 26 सप्ताह के ईएमए को पार करने के बाद 5 सप्ताह के ईएमए को बनाए रखा है, जबकि मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई 65 पर है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स 19,000 का स्तर पार कर सकता है। 18,800 पर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट है, फिर 18,700 से 18,500 पर अगले सपोर्ट है। एंजल वन के हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समित चौहान का कहना है कि बाजार की दिशा साफ ना होने के बावजूद निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई के करीब है। 18,800 से ऊपर की मजबूत क्लोजिंग और हाल में दबाव में चल रहे बीएफएसआई स्पेस में 16 जून को आई तेजी के साथ अगर निफ्टी इस हफ्ते ये कारनामा करता है तो इससे आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी का बेस अब 18,600 से 18,550 की ओर आ गया है। इसके पहले निफ्टी के लिए 18,700 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। वहीं सामको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल एनालिस्ट अश्विन रमानी का मानना है कि जब तक निफ्टी 20 ईएमए जोन के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक गिरावट पर खरीदारी की सलाह होगी। निफ्टी के लिए अब 18,500 पर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। आइए अब जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 10 शेयरों के बारे में जो अगले 3 से 4 हफ्तों में जोरदार रिटर्न दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंदिश शाह की पसंद सूर्य रोशनी में नंदिश शाह की 780 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 895 से 935 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। 14 जून को ये स्टॉक वॉल्यूम में भारी बढ़त के साथ डेली चार्ट पर ब्रेकआउट देता दिखा था। स्टॉक का प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज M&M फाइनेंशियल में नंदिश शाह की 286 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 324 से 335 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 10% रिटर्न मिल सकता है। विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स इस स्टॉक में नंदिश शाह की 365 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 430 से 445 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 13% रिटर्न मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में श्रीकांत चौहान की 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 250 से 275 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 32% रिटर्न मिल सकता है। रेड इंडस्ट्रीज में श्रीकांत चौहान की 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 190 से 210 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 22% रिटर्न मिल सकता है। वहीं श्रीकांत चौहान की तीसरी पसंदीदा पिक है HCL टेक। इस स्टॉक में श्रीकांत चौहान की 1,080 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,250 से 1,350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 17.6% रिटर्न मिल सकता है। आइए अब जानते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा ने किन स्टॉक्स पर दाव लगाया है। उनका पहला पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। IRCTC में मितेश कारवा की 627 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 720 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 8% रिटर्न मिल सकता है। इनका अगला पसंदीदा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रू में 485 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर बात करें आनंद राठी के जिगर एस पटेल की पसंदीदा पिक्स के बारे में तो इन्होंने सबसे पहले दाव लगाया है फर्स्ट सोर्स पर। इस स्टॉक में 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 155 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस शेयर में 20% रिटर्न मिल सकता है। चलिए जानते हैं 5paisa.com के रुचित जैन की पसंद एलेम्बिक फार्मा। इस स्टॉक में 585 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 655 से 668 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 8% रिटर्न मिल सकता है। वहीं रुचित जैन का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक में 642 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 688 से 705 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 6% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप से मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।
तीन से चार हफ्तों में कमाई के लिए GEPL कैपिटल के विनयन सावंत ने ऐसे तीन शेयरों को चुना है जो आपको जबरदस्त मुनाफा करवा के दे सकते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट पर अपने ऑल टाइम हाई के करीब बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। वीकली चार्ट पर ये मार्च 2023 से राइजिंग वेज प्राइस पैटर्न बनाता आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग बेसिस पर निफ्टी को हायर हाई हायर लो बनाते देखा जा सकता है, ये अब ट्रेंड की मौजूदगी का संकेत है। 13 डे EMA के सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बुलिश ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI डेली वीकली और मंथली यानी सभी टाइम फ्रेम पर 60 के लेवल से ऊपर बना हुआ है, ये निफ्टी में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने का संकेत है। निफ्टी के लिए 18,460 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके बाद 18,200 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 18,887 पर है जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है, इसके बाद इसे 19,055 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। निफ्टी के लिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसके पहले 18,887 और उसके बाद 19,055 की तरफ बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए बात करते हैं GEPL कैपिटल के विनयन सावंत के उन तीन स्टॉक्स के बारे में जो आपकी तीन से चार हफ्तों में अच्छी कमाई करवा सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 5,900 रुपए है, इसमें 4,900 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% कमाई हो सकती है, ये 4,900 के अपने सपोर्ट लेवल से लगातार ऊपर बना हुआ है, ये प्राइस पोलैरिटी में बदलाव का संकेत है। इसने हाल में राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है, तेजी की तरफ चाल में बदलाव का संकेत है। डेली चार्ट पर इसने मई की शुरुआत में गोल्डन क्रॉस बनाया है, ये भी अब ट्रेंड का संकेत है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ने ब्रेकआउट दिखाया है जो पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। इस स्टॉक की कीमत 5,900 रुपए की तरफ बढ़ सकती है। एंजल वर्ल्ड, इस शेयर का टारगेट प्राइस 1,725 रुपए है, इसमें 1,452 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 14% कमाई की जा सकती है। इस शेयर में जुलाई 2021 से फेवरेबल करेक्शन देखने को मिला है, इसके अलावा हाल में प्राइस में दिखे एक्शन ने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। डेली टाइम फ्रेम पर इस शेयर में इसके सभी मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है, ये अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ने एक ब्रेकआउट दिया है, इससे भी शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत मिलता है। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,055 रुपए है, इसमें 810 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 18% तक कमाई हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना जारी रखा है, हर तेजी पर हमने वॉल्यूम को बढ़ते देखा है, इससे बुल्स के मजबूत पार्टिसिपेशन का पता चलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर मोमेंटम इंडिकेटर RSI बढ़ रहा है, ये 65 के लेवल के ऊपर बना रहा है जो पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत देता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। ऐसे तीन स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में करवा सकते हैं आपकी जोरदार कमाई, आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की पसंद। निफ्टी सीमित दायरे में बना रहा, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि ये अपने अहम नियर टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI बुलिश क्रॉसओवर में है। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 18,800 से 18,900 पर है, गिरावट की स्थिति में सपोर्ट लेवल 18,700 से 18,600 है। बैंक निफ्टी भी साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है, गिरावट की स्थिति में इसके लिए 43,700 पर सपोर्ट है। ये कंसोलिडेशन फेज में इस लेवल पर था, ये कीमतों के लिए संभावित फ्लोर का काम कर सकता है। तेजी की स्थिति में बैंक निफ्टी को करीब 44,300 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कंसोलिडेशन के इस रेंज में किसी भी दिशा में ब्रेकआउट पर नजर बनाए हुए हैं। 44,300 के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश मूव का संकेत हो सकता है, इसके ट्रेडिंग अपवर्ड मूवमेंट में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। 43,700 के सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन की स्थिति में बियर मूव शुरू हो सकता है, इससे इंडेक्स ट्रेडिंग डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में। गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस
1900 से 2000 रुपए है, इसमें 1690 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 14% तक कमाई हो सकती है। इस स्टॉक में 1700 रुपए के सपोर्ट लेवल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि इस लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये स्टॉक के प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये स्टॉक बीते एक हफ्ते के अपने हाई को पार करने में कामयाब रहा है। ये संभावित बुलिश मोमेंटम का संकेत है। ज़ायडस लाइफ साइंसेस, इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 560 से 590 रुपए है, इसमें 510 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें अगले 3 से 4 हफ्ते में 11% रिटर्न कमाया जा सकता है। इस शेयर ने लीली चार्ट पर वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाया है, इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का संकेत मिलता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने बाय क्रॉस ओवर दिखाया है। इससे पता चलता है कि खरीदारी का मोमेंटम इस शेयर में बढ़ा है, जो एक संभावित बुलिश सिग्नल का संकेत है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1850 से 1900 रुपए है, इसमें 1725 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 7% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने कंसोलिडेशन के पीरियड को ब्रेक कर दिया है। अभी इसमें इसके मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है, ये पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। इसे शेयर में अपवर्ड ट्रेंड देख सकता है। नियर टर्म में ये 1850 से 1900 की रेंज में दाखिल हो सकता है। गिरावट की स्थिति में इसके लिए 1700 रुपए पर सपोर्ट है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप क्वालिटी शेयर्स की तलाश कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए स्टॉक्स जो आपको कम समय में ज्यादा मुनाफा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद ट्रेडर्स ने कुछ मुनाफा वसूली की। इससे बीते हफ्ते की शुरुआत में आई तेजी निफ्टी 50 ने गवा दी। मेन इंडेक्सेस के लिए ये पीरियड थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन अगर छोटे बड़े सभी शेयरों की बात करें तो एक्शन की कमी नहीं रही। इंडिविजुअल थीम एक के बाद एक सामने आ रही है। इसमें कुछ स्टॉक शानदार मूवमेंट दिखा रहे हैं। जब तक मेन इंडेक्सेस में रेंज से ब्रेकआउट नहीं दिखता है, इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडर्स में हल्का बने रहना अच्छा रहेगा। जहां तक निफ्टी के लेवल का संबंध है, तो 18,500 से 18,450 को एक सपोर्ट का क्लस्टर मानना चाहिए। 18,680 से 18,780 बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उम्मीद है कि विदेशी स्टॉक एक्सचेंज से वो सपोर्ट मिलेगा जिसकी जरूरत मार्केट को है। ऐसे में निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। आइए अब जानते हैं एंजल वन के हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चौहान के पसंदीदा वो स्टॉक्स जो आपकी शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है कैंपलास्ट सनमार। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 516 रुपए है, इसमें 457 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर में इस स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाई है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें फिर से अच्छी खरीदारी दिख रही है। खास बात यह है कि इस तेजी में वॉल्यूम भी अच्छा रहा है, इससे ब्रेकआउट के आसार दिख रहे हैं। बड़े इंडिकेटर्स ने इस स्टॉक में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाए हैं, इससे तेजी की ट्रेंड को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। अगला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 914 रुपए है, इसमें 869 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 3% कमाई हो सकती है। लिकर सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में शानदार रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो पता चलता है कि इस शेयर की कीमत पिछले 3 हफ्तों से लगातार बढ़ रही है। उसके बाद पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में इसमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसके वीकली और मंथली चार्ट से शॉर्ट से मीडियम टर्म में तेजी जारी रहने का संकेत मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है, तो आइए जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के प्रवेश गौर की ऐसे पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जो आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी।
निफ्टी 50 अच्छी तेजी के बाद 18,450 से 18,650 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये 18,450 के नीचे गिर जाता है तो हम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में 18,181 अगला सपोर्ट लेवल होगा, जबकि निफ्टी के 18,650 के ऊपर ट्रेड करने पर यह 18,888 की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी में भी इसके 20 DMA के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है जो 43,900 पर है। तेजी की स्थिति में 44,500 अगला रेजिस्टेंस होगा, इसे पार करने के बाद ये 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। गिरावट की सिचुएशन में अगर ये अपने 20 DMA से नीचे फिसल जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं, तब 43,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्यकर इन्वेस्टमेंट में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश कौर की उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है टाल ब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 724 रुपए है, इसमें 600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्ते में 12% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने लंबे कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेक किया है। आमतौर पर कंसोलिडेशन तब होता है जब किसी एसेट का प्राइस सीमित दायरे में होता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट की कमी का संकेत है। ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक में मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का संकेत देता है। इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। वीकली चार्ट पर इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। RSI की पोजीशन पॉजिटिव है, MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। अगला स्टॉक है उषा मार्टिन का। इस शेयर का टारगेट प्राइस 285 रुपए है, इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें 3 से 4 हफ्तों में 14% कमाई हो सकती है। ये शेयर क्लासिकल अप ट्रेंड में है, लंबे टाइम फ्रेम पर इसने कई साल का ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर भी इसने अप ट्रेंड चैनल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। ऊपर की स्थिति में 260 रुपए अगला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने पर यह शेयर 280 रुपए के लेवल को पार करने की कोशिश कर सकता है। वहीं गिरावट की स्थिति में 230 का पिछला ब्रेकआउट लेवल अगला सपोर्ट लेवल है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ट्रेंड के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रवेश गौर का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है मिश्रा धातु निगम। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 280 रुपए है, इसमें 213 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 16% तक मुनाफा कमाने की संभावना दिख रही है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। इसने 213 रुपए के अपने पिछले ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। ये नई तेजी में 280 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर MACD में करंट स्ट्रेंथ बना हुआ है। RSI की पोजिशनिंग भी फेवरेबल है, 260 रुपए इसका अगला रेजिस्टेंस एरिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।